हेलो फ्रेंड, मैं हूँ दिव्या और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही अलग स्टाइल में सॉफ्ट और स्पॉन्जी लौकी के मुठिये, जिसे दूधी के मुठिये भी बोले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। अगर आज का ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे। मुठिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम लौकी ली है। लौकी को मैंने अच्छे से धो के साफ करके कद्दूकस कर लिया है। लौकी को हमें जब मुठिया बनाना है तभी कद्दूकस करके लेना है, वरना लौकी जो है वो काली हो जाती है। फिर उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही। दही से हमारे मुठिये में बहुत ही अच्छा खट्टा सा टेस्ट आता है। फिर उसमें हम डालेंगे सारे मसाले। मसाले में मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हींग, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। फिर हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट। यहाँ पर हम सूखी लाल मिर्च यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हो। फिर उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी और स्वाद अनुसार नमक, और सारे मसाले को हम अच्छे से लौकी के साथ मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले और लौकी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम मुठिये बनाते हैं तो सबसे पहले हम आटा लेते हैं, फिर उसमें सारे मसाले डालते हैं, फिर उसमें हम लौकी डालते हैं और पानी का यूज करते हैं और आटा बना के तैयार करते हैं। तो इससे हम पानी का यूज ज्यादा करते हैं तो हमारे मुठिये जो है वो इतने सॉफ्ट नहीं बनते हैं। तो इसी तरह से हम मुठिये जब बनाएंगे तो हमारे मुठिये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो ये हमारा एक स्मूथ पेस्ट बनके रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने से हमारे मुठ्ठी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर से हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप आटा। तो आटा यहाँ पर मैंने हांडवा ढोकला वाला जो आटा आता है वो यूज किया है, तो उससे हमारे टोकरे बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। यहाँ पर आटा और हमें सब्जी का माप सेम लेना है, जैसे कि 1 कप आटा लिया है तो 1 कप लौकी लेना है और उससे हमारे टोकरे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। फिर से हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नॉर्मली हम बेसन या फिर गेहूं का आटा यूज करते हैं और आटा लगा के हम मुठिये बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी आटा जो है हमारा टाइट लग जाता है या कभी कभी सॉफ्ट हो जाता है, तो उससे हमारे मुठिये एक जैसे सॉफ्ट नहीं बनते हैं। तो इसी तरह से हम जब मुठिये बनाएंगे तो हमारा मुठिये हर बार अच्छे से सॉफ्ट बन के तैयार होता है और हमारे मुठिये कभी भी खराब नहीं होंगे। इसी तरह से हमें पहले बिना पानी डाले अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक बेटर बना के रेडी करना है। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच जितना पानी और अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी को हमें बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि बेटर को हमें बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। बेटर को हमें ढोकला या फिर इडली का जो बेटर होता है उतना पतला नहीं करना है, तो उसी हिसाब से पानी डालते जाएंगे और एक स्मूथ बेटर बना के हम रेडी करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच सोडा और ऊपर से थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोडा डालने से हमारा जो मुठिया है वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनेगा और ये हमारा स्मूथ बेटर बन के रेडी है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है और प्लेट को मैंने पहले से पूरी से ग्रीस करके रख लिया था। तो अब हम ये बेटर जो है वो प्लेट में डाल देंगे और अच्छे से हम सारे बेटर को स्प्रेड कर लेंगे। बेटर को हमें इक्वली स्प्रेड कर लिया है, तो अब हम इस प्लेट को स्टीम करने के लिए स्टीमर में रख देंगे। तो उसके लिए मैंने पानी को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो
तो ये हमारा पानी जो है वो अच्छे से उबलना लगा है, तो ये प्लेट हम अंदर रख देंगे और 20 मिनट तक हमें मुठिये को अच्छे से पका लेना है, यानी कि स्टीम कर लेना है। तो ये हमारे लौकी के मुठिये बनके रेडी है। मुठिये मैंने पहले से ही कट करके रख लिया है, तो आप देख सकते हो हमारा मुठिया कितना सॉफ्ट लग रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हुआ है, क्योंकि हमने बेटर को थोड़ा थीक रखा था। अगर हमारा बेटर थोड़ा पतला होता तो ये अच्छी तरह से स्टीम नहीं होता है, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि बेटर हमारा थोड़ा थीक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारा मुठिया बनके तो रेडी है, लेकिन इसे हमें और टेस्टी बनाना है, तो इसके लिए हम एक तड़का बना के तैयार करेंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, तेल के गर्म होते ही उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों, 2 चम्मच तिल और थोड़े से करी पत्ते। फिर उसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच जितना पानी। पानी डालने से क्या होता है कि हमारी जो मुठिये हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं और मुंह में जाते वो घुल जाते हैं, ऐसे बनते हैं। फिर उसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी और आधी छोटी चम्मच जितना नमक। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 चम्मच जितना चीनी डालेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तड़के को हमें 1 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेना है, ताकि पानी का कच्चापन है और हल्दी का जो कच्चापन है वो चला जाए और हमारा एक टेस्टी सा तड़का बनके तैयार हो जाए। तो ये जो हमारा तड़का बनके तैयार है, तो अब हम इसमें सारे मुठिये को डाल देंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे। अच्छे से हमें इसे हिलाते हुए या फिर आप इसे ऊपर नीचे करते हुए मुठिये को सारी चीज़ों से अच्छे से कोट कर लेंगे और ये हमारी मुठिये जो है बनके रेडी है। तो ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये हमारे लौकी के मुठिये जो है बनके रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा अलग है तो सबके साथ शेयर भी कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाके क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।